अगर आप सीमेंट प्रोडक्ट का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं कि सीमेंट प्रोडक्ट यानी कि जो वेंटिलेटर होता है उसका बिजनेस आप कैसे कर सकते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं और आप उस बिजनेस से कैसे पैसा इनकम कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि मेरा जो पिछले कई सारे वीडियोस है वहाँ पर हमने आपको बताया कि और आपको दिखाया भी कि जो सीमेंट जो प्रोडक्ट होता है उसको कैसे बनाया जाता है, जो भी वेंटिलेटर उसको कैसे बनाया जाता है, कौन सा प्रोसेस है, कौन कौन से मटेरियल की ज़रूरत पड़ता है। इसके अलावा जो बनाने की जो पूरी प्रोसेस है वो भी हमने आपको पूरे डिटेल में वहाँ पर दिखाया। जो लड़का काम कर रहा था वो भी हम आपको दिखा दिया कि कैसे इस काम को कर रहा है। तो अगर आप इस बिज़नेस से संबंधित और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो बस वीडियो पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, जो सीमेंट का जो प्रोडक्ट होता है इसका जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस कोई भी शुरू कर सकता है, जब जहाँ चाहे तब ये स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि इसका जो हर एक मटेरियल जो है ये आसानी से मिल जाता है। सबसे पहला हो गया है कि आपका वहाँ पर बाली यानी कि सैंड्स, इसके बाद जो उसका जो पत्थर है, पत्थर जो है ये भी आप आसानी से ले सकते हैं। इसके बाद इसका जो सीमेंट है, सीमेंट भी आपको बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाता है। सबसे ज़रूरी इसमें क्या है कि जो भी आप वेंटिलेटर जो बनाना चाहते हैं उसका जो डाइस है, जो सांचा है, ये डाइस जो फार्मा है इसका ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अगर आप इस फार्मा को, अगर आप डाइस को कहीं से सोर्स कर सकते हैं तो आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और आगे आप इस बिज़नेस में बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को करना चाहते हैं लेकिन उनके पास सही सोर्स नहीं है, यानी कि उन्हें सांचा नहीं मिलता है, उन्हें डाइस नहीं मिलता है, जिसके वजह से इस बिज़नेस को स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी अगर आप चाहते हैं कि आप इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं और आपको डाइस मिले, तो हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हम देंगे। जैसे कि सबसे पहला हो गया है कि आपको जाना है इंडिया मार्ट पर। इंडिया मार्ट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे सामान या फिर ऐसे प्रोडक्ट को वहाँ से खरीद सकते हैं, या फिर वहाँ से आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाता है, जिसे आप डायरेक्टली ऐसे कंपनी को, ऐसे मैन्युफैक्चरर को आप कॉल कर सकते हैं और वहाँ से आप बात कर सकते हैं कि आपको ये सारे फार्मा चाहिए या फिर आपको ये डाइस चाहिए या फिर ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आप उन्हें एडवांस में कुछ पैसा, आप एडवांस पेमेंट करते हैं जिससे आपका एड्रेस में हुए आपको पूरी प्रोडक्ट वहाँ से भेज देता है। तो सबसे पहले आप इंडिया मार्ट में जाइए और वहाँ पर जो सर्च बॉक्स है वहाँ पर आप सर्च करिए कि आपको वेंटिलेटर के जो भी डाइस है वो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। सर्च रिजल्ट में वहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा डाइस चाहिए, कौन सा वहाँ से आपको फार्मा चाहिए। इसके बाद वहाँ पर जो भी कॉन्टैक्ट है, कॉल नाउ की जो भी बटन है वहाँ पर डायरेक्ट कॉल करके आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके बाद वहाँ से जो भी आदमी आपसे बात करेगा वे आपके व्हाट्सएप नंबर में बाकी जो भी डाइस है उसका भी फोटोज आपको भेज देगा। इसके साथ ही साथ वहाँ पर जो भी उसका जो प्राइस है, यानी कि कितना कौन सा डाइस का क्या कीमत है, कितना प्राइस रखा जाएगा, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर देख सकते हैं डाइस। और उनसे डाइस जब आपके पास आ जाएगा तो इसके बाद आप बाकी की जो भी मटेरियल है आप उसे इकट्ठा कर सकते हैं। इसके बाद जो भी बिजनेस है या फिर जो भी प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं डाइस से, उस प्रोडक्ट को बनाइए, उसके बाद उसे सुखाइए, सूखने के बाद आप उसे आगे आप सेल कर सकते हैं। वहीं पर ये जो बिज़नेस है इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन यही है ज़रूरी कि आपको डाइस खरीदना पड़ेगा, बिना डाइस के आप इस बिज़नेस को शुरू नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने पिछले कई सारे वीडियोस में पूरी डिटेल में बताया है और ऐसे बहुत सारे डाइस भी हमने आपको दिखाया है। नंबर 2 है डाइस खोजने का या फिर डाइस बनवाने का। सबसे पहले है कि अगर आपके नज़दीक में कोई भी ऐसा कारपेंटर अगर है अच्छा, जो जैसे कि जो बेड है, जो पलंग है बनाते हैं, जो पलंग में जो भी फूल या फिर जो भी डिज़ाइन करते हैं, अगर ये डिज़ाइन बनाने वाला कोई भी व्यक्ति है तो उनसे आप ये जो फार्मा है, जो भी डाइस है वेंटिलेटर का, ये आप उनसे बनवा सकते हैं कारपेंटर से। जब ये डाइस उनके पास बन जाएगा तो इसके बाद आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसे कुछ कारपेंटर है, ऐसे कुछ कारपेंटर है जो यहाँ पर डाइस को बना सकता है और डाइस को बनाने के बाद उस बिज़नेस को आप शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे कारपेंटर यहाँ पर भी है जो ऐसे डाइस बना सकता है। उन्होंने पहली बार ट्राई किया था लेकिन उस वक्त नहीं हुआ, लेकिन जब दोबारा या फिर 3 बार जब ट्राई किया
तो उस वक्त उन्होंने फाइनली ऐसे डाइस को बना दिया। अब वे कुछ नए नए डिजाइन पर भी डाइस को वे बना सकते हैं, लेकिन ऐसे डाइस बनाने के लिए आपको एक अच्छा कारपेंटर की जरूरत पड़ेगा। अगर आपके पास कारपेंटर नहीं है तो आप इंटरनेट में, ऑनलाइन में, गूगल में सर्च कीजिए कि आप खरीदना चाहते हैं। आप सिर्फ लिखना है कि वेंटिलेटर डाइस या फिर सीमेंट प्रोडक्ट डाइस। तो ऐसे वक्त आप जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे सर्च रिजल्ट देखने को मिलेगा, जहां आप क्लिक करके आप आगे और भी सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं कि कहाँ मिलेगा और कौन से जगह पर मिलेगा, कैसे आप खरीद सकते हैं, कैसे पेमेंट करना है, आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जब भी आप कहीं पर भी डाइस खरीदने के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के पेमेंट करिए, अच्छी तरह से जाँच कर लीजिए। हो सके तो आप जगह पर, उनके वहाँ पर कंपनी में या फिर उनके जो मैन्युफैक्चरर जो प्लांट है वहाँ पर आप जाकर विजिट कर लीजिए, इसके बाद आप पैसा पेमेंट करें। क्योंकि ऐसे बहुत सारे धोखाधड़ी होता है जो इस तरह के ऐड वहाँ पर लगाते हैं नेट में या फिर इंडिया मार्ट में, और जब आप पेमेंट करते हैं तो आपको प्रोडक्ट आगे नहीं भेजेगा, शिप नहीं करेगा, जिससे आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा और आपका जो भी पेमेंट किया गया पैसा ये आपका फ्रॉड हो जाएगा। इसे ध्यान में ज़रूर रखें। और जैसे कि हमने बताया कि इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले डाइस की ज़रूरत है, इसके बाद आपको सीमेंट बाली, इसके बाद जो पत्थर है ये सब जो जरूरत पड़ता है, इसके बाद जो पतला सा जो तार होता है, जो रोड होता है, ये भी जरूरत पड़ता है। इस बिजनेस में अच्छा फायदा है और लाभ भी है। और ये जो सीमेंट प्रोडक्ट का जो बिजनेस है, इससे संबंधित हमने यहाँ पर कुछ जरूरी डिटेल्स आपके साथ बात की। उम्मीद करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और इस बिजनेस से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करने की हमने आपके साथ कोशिश की है। बस ये हमारी एक कोशिश है, इसलिए इस वीडियो को जरूर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ ऐसे ही वीडियोस और लाने वाले हैं आपके साथ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि अगर आप सीमेंट प्रोडक्ट का वीडियोस और देखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और जो भी हमने पिछले वीडियोस यहाँ पर शेयर किया या फिर अपलोड किया उसे भी जरूर देखें, तो जिससे आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।